हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर बात करेंगे साथियों जो बीपीएससी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट है, चूँकि जो टीचर का अपडेट चल रहा है इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एज पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर परमानेंट एड्रेस। एंड यहाँ पर देखेंगे तो शेड्यूल दिया गया है कौन से सब्जेक्ट का किस डेट में होगा और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट का किस डेट में है, सारा मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा एंड किस डेट में आपको जाना होगा। सबसे पहले तो साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपके पास, देन उसके बाद देखेंगे कि किस डेट में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के। तो ये देखेंगे आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 है, जिसमें कक्षा 9, 10 और 11, 12 का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें आपका सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज, रंगीन फोटोग्राफ चाहिए, ऑनलाइन आवेदन प्रश्न पत्र चाहिए, आपका प्रवेश पत्र चाहिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन आपने निकाला था टीचर एग्ज़ाम के लिए, तथा सभी प्रमाण पत्र की दो दो सेट में छाया प्रवृत्ति, जिस पर आपका स्वयं का सिग्नेचर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट कौन कौन सा है, तो आपका एक हो गया यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आप लोग आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई भी ले सकते हैं। आरक्षण के लिए आपका यहाँ पे एनसीएल, जाति और ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत होगी। निवास प्रमाण पत्र आपका जरूर होना चाहिए जो बिहार के निवासी हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए यहाँ पर, अगर आप दिव्यांग हैं तो। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। नियोजित शिक्षक के लिए यहाँ पर नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। और फ्रीडम फाइटर के अगर पोता पोती नाती नतनी है तो उनको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट देना होगा। आगे इसमें देखेंगे तो इसमें आपका सीटेट, बीटेट पेपर एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी जो आपका सीटेट या बीटेट जिसके भी आधार पर आप फॉर्म भरे हैं उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही बिहार स्टेट पेपर 1 एवं उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। बिहार स्टेट पेपर 2 यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि पेपर 1 हो गया तो आपका 9th-10th के लिए हो गया, और पेपर 2 हो गया तो वो आपका 11th-12th के लिए होगा। तो जिसके लिए भी आप भरे हैं, अगर दोनों के लिए भरे हैं तो दोनों लेकर जाएंगे, और किसी एक के लिए भरे हैं तो उसके अनुसार अपना 1 या 2 का जो भी होगा वो साथ में लेकर जाएंगे। उसके बाद से आपका दक्षता, यानी जो आपका बीएड जो भी है यहाँ पे, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन का आप सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए लेकर जाइएगा यहाँ पर। अब शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज यहाँ पर, शैक्षिक योग्यता 1 से 5 यहाँ पर, ये चूँकि सभी के लिए इसमें मेंशन किया गया है वर्ग, लेकिन अभी फिलहाल जो 9th-10th और 11th-12th चल रहा है उसके अनुसार आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाइएगा यहाँ पे, मतलब कि जो प्राइमरी है उनके लिए भी मेंशन कर दिया गया है, तो अभी तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपका बीएड एमएड और डीएलएड का, चूँकि डीएलएड 1 to 5 के लिए है तो अभी तो उनका नहीं चल रहा है, तो बीएड वाले अपना लेके जाएंगे। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देखेंगे तो 9 से 10 के लिए आप लोग को लेकर जाना होगा। इसमें बीएड एमएड बीएससी एड जो भी होगा आपका यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता 10, 11 से 12 के लिए, और शैक्षिक योग्यता वर्ग 11 से 12 के लिए यहाँ पे दक्षता प्रमाण पत्र। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स चूँकि यहाँ देखेंगे, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9 से 10, 11 के लिए आवेदन किए हैं तो वो किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि इसमें चूँकि अपडेट देखेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के लिए आवेदन किए हैं, यानी दोनों के लिए आवेदन किए तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्गों के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि किस डेट को किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे ये 9th-10th के लिए शेड्यूल दिया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जैसे आपका अगर अररिया डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 9 तारीख को जाना है सितम्बर में यहाँ पर, यानी इसी मंथ में। और अररिया में ही यहाँ पर अरबी का देखेंगे तो 9 का ही है, उर्दू का देखेंगे तो 8 का है, गणित का 9 का है, फारसी का 9 का है। अब जिसका जो सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे वो उसके अनुसार यहाँ पे उस डेट को जाएंगे। अब मान के चलिए कि 9th और 10th में जो भरे हैं वो 12th में भी भरे होंगे, तो उनको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे अब 12th वाला हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कैसे कराना होगा। अब जैसे साथियों ये देख सकते हैं ये 11th to 12th का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए गणित का वहाँ पर 9 को दिखा रहा था या 8 को दिखा रहा था जो भी अररिया में, यहाँ पे आपका 11th to 12th के लिए 7 को दिखा रहा है, तो आप चाहें तो अगर 7 के जाएंगे तो 7 को ही यहाँ पे दोनों एक साथ करा सकते हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन,
या अगर आप चाहें तो जो 8 को या 9 को है, 9th 10th का, उसी दिन दोनों का करा सकते हैं, 11th 12th का भी। यानी आपको दो दिन नहीं जाना है, आपको किसी एक डेट को ही जाना है। या तो आप 11th 12th में जो मेंशन डेट है उस डेट को जा सकते हैं, या 9th 10th के लिए जो डेट मेंशन है उस सब्जेक्ट के लिए उस डेट को जा करके, और दोनों का एक ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये उनके लिए है जो केवल दोनों में भरे हैं, लेकिन जो सिंगल भरे हैं तो वो अपने अनुसार, अगर 9th 10th भरे हैं तो 9th 10th के शेड्यूल को फॉलो करेंगे, और 12th के लिए भरे हैं तो 12th का शेड्यूल फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी, आखिर इसमें चेक कैसे करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे तो लंबा लिस्ट चेक करना होगा, 20 पेज का है। तो देखिए, सिंपली इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सिवान अगर सर्च करूँ तो देख सकते हैं सिवान का यहाँ पर रेड कर जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे सिवान का आ गया, मैं अब इसके अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट का देख सकता हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए सिवान में कौन से डेट का किया गया है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आगे पीछे करने के लिए, तो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट का आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं और हाईलाइट हो जाएगा। अब बात करें कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए कहाँ पर होगा, तो देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ पर सर्च करते हैं, तो जैसे देख सकते हैं कि जो आउट ऑफ बिहार के हैं यहाँ पर उनका सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा किस सब्जेक्ट का किस डेट में कराना है। ये आपका यहाँ पे है पटना मुख्यालय में ही होगा, तो ये ध्यान देंगे जो भी बिहार से बाहर के छात्र हैं। तो इस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, दो दो सेट आपको जीरोक्स भी उसका ले जाना है, साथ में ओरिजिनल भी, और जीरोक्स पे आपका खुद का साइन होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का निर्धारित डेट पर पहुँच जाइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।